साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया 216 रनों का लक्ष्य। अरुंधति दीप्ति को मिली दो दो सफलता। जी मेरे दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी हाईलाइट। इससे पहले वुमेन्स टीम के लिए अपने दिल से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया था। भारतीय महिला टीम ने पहले ही शुरुआती दोनों मैचों में जीत हासिल की है। ऐसे में अब हरमन एंड कंपनी सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका महिला टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए थे। टीम की तरफ से कप्तान लॉरा ने 57 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल रहे। तानजिम के बल्ले से 38 रन निकले। वहीं भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा और अरुंधति ने 2-2 विकेट झटके। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया था। भारतीय महिला टीम ने पहले ही शुरुआती दोनों मैचों में जीत हासिल की थी। पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने 143 रनों से साउथ अफ्रीका को मात दी थी, जबकि दूसरे वनडे मैच में भारत को कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका महिला टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को एक ही ओवर में लगे 2 झटके। पारी के 43वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने नादिन डी क्लर्क को बोल्ड किया। इस दौरान नादिन 46 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इसके बाद अगली गेंद पर दीप्ति ने नॉन कुलूले को मलावा को बोल्ड किया। पारी के 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूजा वास्तकर की गेंद पर नोंडू मिसो संगा से रनआउट हुई। इस दौरान वो 29 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौटी। 40 ओवर के खेल तक साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 170 रन रहा। इस वक्त क्रीज पर नादिन डी क्लर्क और नोंडू मिसो संगासे की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी।